गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? तो सुबह के बज रहे हैं 5:20। तो जा रहा हूँ मैं दूध लेने, क्योंकि मम्मी की तबीयत सही पूरी ठीक नहीं हुई है। तो दूध लेने की जो ड्यूटी है वो मुझे दे रखी है, तो वही है, सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ दूध लेने। वैसे इस टाइम मैं वॉक करने जाता हूँ, मगर अभी दूध लेने की ड्यूटी मुझे ले रखी है, तो दूध लेने जा रहा हूँ। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई इतने सुबह दूध कहाँ मिलता है। तो भाई देखो, मैं रहता हूँ डेयरी के पास में, तो हम सिद्धी भैंसों से अपना दूध ले आते हैं। भाई हम गोला डेयरी का नाम सुना होगा, नकली डेयरी की तरह ही है, बहुत भैंस है यहाँ पे। सुबह सुबह फौजी लोग आते हैं दूध लेने, वो ले जाते हैं, फिर हम जाते हैं। तो 6:10 में घर आ गया हूँ। अब मैं खाऊँगा थोड़े से स्प्राउट्स जिम जाने से पहले, किशमिश भुगोना मैं भूल गया था, तो वही अब किशमिश खाएंगे तो रूखी खाएंगे बिना भी हुई। 6:25 हो रहे हैं, जिम बैग लगा लेता हूँ अपना। जिम बैग में आज हमें करनी है चेस्ट, तो रोज़ की तरह अपनी बेल्ट रखी, फिर उसके बाद मैं रखूँगा टॉवल अपनी, टॉवल के बाद रखूँगा अपने स्ट्रैप्स, फिर वाटर बोतल, और भाई फिर वही अपना पंटर। पंटर भाई आज अपने आप ही दिख गए सामने, ये मेरा पंटर। रोज़ की तरह चलेगा जिम, मारेंगे चेस्ट, बॉडी बनाएंगे। फिर 6:35 हो रहे हैं, तो निकल गया हूँ। बस भाई जो इस टाइम की जो हवा होती है ना, जो गालों पे छूती है ठंडी ठंडी, भाई तुम भी उठो यार, क्या इस तरह पड़े हुए आलसियों की तरह? ऐसे बनेगी क्या बॉडी लाइफ? ऐसे कुछ नहीं होने वाला भाई, उठो तैयारी करो। मैं तो जिम जाता हूँ, तुम जिम नहीं जाते भाई, पढ़ लो सुबह उठ के। पूरे दिन तो भाई तुम रील चलाते हो, इससे सब पढ़ लो। 6:40 हो गए हैं, और भाई ये मिल गया रास्ते में, रोज़ की तरह पकड़ लेता भाई, ये जाने नहीं देता भाई। और अलग ही प्यार है भाई इनसे, बिल्कुल अलग ही। तो भाई चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बीच एक्सरसाइज में बोल दिया भाई को, वीडियो बना दे भाई, तो मार रहा हूँ भाई सेट। रो धो के बॉडी तो बन नहीं रही, इतने साल हो गए, इतने साल क्या 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा भाई, ना जॉब लग रही है, ना बॉडी बन रही है, ना करियर हो रहा है, ना ही क्या कहते हैं शरीर में कुछ हो रहा है। बस जिम जा रहे हैं, फॉर्मेलिटी अपना रहे हैं। अब आया हूँ घर, 1 गिलास दूध, 1 चम्मच पीनट बटर, 2-3 केले, किशमिश बादाम डाल के शेक बना के पी पा के बस चलते हैं अपने लाइब्रेरी की ओर, अपनी ड्यूटी पे जो घर वालों ने दे रखी है। ये हमारे सूर्य देव आज गुस्से में लग रहे हैं भाई, सुबह सुबह ही कर दी इन्होंने गर्मी गर्मी। 6:09 पे पहुँच गया अपने लाइब्रेरी, शू रैक में अपनी चप्पल उतारी, शू रैक में शू ही नहीं रखे हमने आज तक, सेम लाइन रोज की तरह। फिर भाई रखा अपना डेस्क पे, फिर अब टू डू लिस्ट तो हमने सुबह बनाई नहीं थी, तो अभी बना लेते हैं। तो आज करूँगा 20 एडिशन, 20 सब्सट्रैक्शन, 20 मल्टीप्लिकेशन, 20 डिवाइड। भाई ये मेरा रोज का कंपलसरी है। ये क्या और भी चीज़ें कंपलसरी है, जैसे 1 से 100 तक मेरे को वो करना है रिवाइज, वो गैप, और उसके बाद 100 से मुझे करना है 115 तक लर्न करना है, वो कैब करना है लर्न। जैसे मैं करता हूँ ईडियम और फेजेस, सिनोनिम वन वर्ड्स, और कहते हैं स्पेलिंग, ये सारे करता हूँ मैं। और मैथ्स में करता हूँ, करना है मेरे को आज एवरेज स्टार्ट करना है। एवरेज वैसे इजी है चैप्टर, काफ़ी इजी है, इसके लेक्चर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी लग रहा है मेरे को। फिर इंग्लिश करूँगा, जिसमें एडवर्ब्स करना है मेरे को, नहीं तो मैम का आज ख़त्म हो जाएगा एडवर्ब, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं। और अमन वर्सेस सर का भी सोच रहा हूँ आज कंप्लीट कर दूँ, अब देखते हैं भाई। मैं तो ये फॉलो करता हूँ एक मानस गुप्ता नाम से है, वर्सेटाइल मेंटर, यूट्यूब पे है भाई, वो सीरीज़ बनाते हैं। अगर आपसे अपना टू डू लिस्ट नहीं बनाया जाता तो आप उन चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, सबके लिए है, वहाँ रिपीटर्स के लिए भी और ये कहते हैं बिगनर्स के लिए भी। तो स्टार्टिंग में मैं करूँगा आज नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या, मेरे को अपना रिवर सिस्टम कम्प्लीट नहीं हुआ यार, वो कम्प्लीट करना है। फिर मेडिवल हिस्ट्री करूँगा, और हिस्ट्री तो आपको पता ही है मैं करता हूँ रात को सोने से पहले, तो हिस्ट्री वो जब भी करनी है। फिर उसके बाद रीजनिंग की बारी, तो रीजनिंग में मैं करूँगा आज नंबर सिस्टम, अरे यार नंबर सिस्टम कह रहा हूँ, मिसिंग नंबर करने आज मुझे। तो आ गई मेरी, ये कहते कैलकुलेशन की बारी, तो कैलकुलेशन भाई मेरी तरह करो भाई, एक पेज को 3 बार यूज़ करना है, पता ना कैसे, वैसे ही करना है। वो कैब करनी है, और कहते हैं बस, तो पिनेकल की बुक से अपना वो कैब। मैं सोच रहा हूँ यार, कहते हैं किरण से भी करना स्टार्ट करूँ, थोड़े ज़्यादा वर्ड्स हो रहेंगे साथ में,
पिनेकल में कुछ ज़्यादा है नहीं भाई, मगर किरण की बुक कितनी मोटी है, देखें देख के आऊँगा एक बार, रिव्यू करके आऊँगा बस स्टोर पे। फिर उसके बाद अपना मैथ्स पे एवरेज स्टार्ट कर रहा हूँ, एवरेज देखता हूँ क्या है एवरेज में, लेक्चर लेके देखता हूँ एक दो क्या डिफरेंस है, लेनी की जरूरत है कि नहीं। तो एक बज गया, भूख लग गई है, जा रहा हूँ घर। वैसे तो शेक से भूख लगती नहीं है, मगर भाई जिम के बाद वो भी तो काफ़ी नहीं रहता ना, कोई नहीं तो घर जा रहा हूँ। फिर बस घर आके अब 2 बजे जिम कह रहा हूँ, यार जिम ही निकलता है इस टाइम पे। 2 बजे जिम कहाँ जाता हूँ, लाइब्रेरी जाता हूँ मैं, 2 बजे लाइब्रेरी वापस। तो लाइब्रेरी पहुँच गया, एक तो भाई इस टाइम पे लाइब्रेरी में बहुत गर्मी होती है, एसी चलाना पड़ता है। सोच रहे हो इस टाइम पे किस घर में एसी चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है, लाइब्रेरी में भी चल रहे होंगे, हमें चलाना पड़ता है, दूसरे फ्लोर पे है ना लाइब्रेरी, तीनों चारों साइड से धूप लगती है इसलिए। तो फिर दोबारा अपना मैथ्स स्टार्ट, दोबारा काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए, अभी थोड़े और क्वेश्चंस करता हूँ, टाइप वाइज देखता हूँ। तो भाई नींद आ ली थोड़ी सी, तो 4:05 हो रहे थे, तो मैं यही सो लेता हूँ भाई। ऊट पटांग जगह सो गए ना, जल्दी नींद पूरी हो जाएगी, वरना नींद पूरी होने से रही, क्योंकि भाई अब देखो 5-6 घंटे की नींद मिलती है दिन में, 5-6 घंटे भी नहीं होती, 5 ही घंटे होती है। 12 के आसपास सोता हूँ, सुबह 5:20 पे उठ जाता हूँ, तो कहाँ ही हो पाती है पूरी इतनी। तो अब दोपहर में खाना खाने के बाद तो नींद आई रही होती है, तो मैथ्स तो उड़ा देती है भाई नींद, तो कुछ भी करके फिर थोड़ा बहुत यहीं पर सो लेता हूँ, इतना सोना होता है, 15-20 मिनट सो लेता हूँ, क्योंकि यार सोते वक्त ना गर्मी लगती है, अब पंखे तेज़ चलाएंगे तो आवाज़ आएगी, तो पंखा धीरे चलाते हैं तो गर्मी लगती है, फिर वैसे ही आँख खुल जाती है। और भाई मुझे सोते सोते झटके भी लगते हैं, पता नहीं सोचते सोचते सोता हूँ कि कैसे सोता हूँ, झटके लगते हैं गंदे वाले, तो वैसे ही नींद खुल जाती है। कभी उस पे से गिर गया, कभी कहीं से गिर गया, ऐसे झटके लगते हैं, उड़ जाता हूँ इस वजह से। फिर गेट के पास ही बैठता हूँ, तो गेट के बाद से नींद खुल जाती है, तो इसे ज़्यादा सो नहीं पाता। फिर सोने के बाद थोड़ा उठ गया, फिर उठ के ऊपर आ गया छत पे ही, थोड़ी हवा खाने, मूड फ्रेश। भाई देखो किसी से बात मत करो, टाइम वेस्ट होता है, खुद जाओ थोड़ा मूड फ्रेश करो इधर उधर, क्योंकि यार देखो जब बात करने बैठते हैं ना, कब टाइम बीत जाए पता नहीं चलेगा, और अकेले में ना 10-15 मिनट भी ना ऐसा लगता है बहुत है, बहुत है अपने लिए 10-15 मिनट। तो भाई इधर उधर जाओ, मूड फ्रेश करो, गाने सुन लो भाई, और क्या, ब्रेक लेने हैं वहाँ ले लो, रील से तो अच्छी चीज़ ही है, रील तो भाई आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद कर देती है, तो उससे अच्छा है भाई जाओ खुली हवा खाओ सबसे बढ़िया। तो आ गया ऊपर से नीचे, अब अपना क्या कहते हैं वो द्वार से करूँगा रिवर सिस्टम कंप्लीट करके, देखूँगा आज होगा नहीं होगा। रिवर सिस्टम भाई बहुत बड़ा चैप्टर है, लगता है छोटा है नहीं। फिर उसके बाद एडवर्ब कर रहा हूँ, तो एडवर्ब के मेरे को याद आया मैंने नोट्स बनाए नहीं रखे, तो मैं अमन वसी सर के ही नोट्स बना लूँगा। 7:20 हो रहे हैं, तो अपना मिसिंग नंबर स्टार्ट किया है, थोड़ा रीजनिंग पढ़ के देखता हूँ क्या है इसमें नंबर, मिसिंग नंबर्स में। तो बस 8:50 तक करे क्वेश्चंस करके, बस घर की बात तरफ वापस, घर जा रहा हूँ अब उल्टा, ड्यूटी ख़त्म हमारी 9 से 8 की जॉब प्राइवेट वाली जॉब की तरह, और ये भाई वेट कर रही है बिल्कुल शिद्दत से, अब बहुत प्यार करती है भाई ये। और तुम्हारे घर में भाई होना भी चाहिए एक पैट, स्ट्रीट डॉग पालो सबसे बढ़िया। फिर भाई रात को थोड़ा इंग्लिश रिवाइज किया, इंग्लिश रिवाइज करो भाई करो, कहीं भी आ जाते हैं कुछ नहीं पता होता। 11 बजे है भाई, ये एक मेरी बहन का बे टाइम का खाना, खाने में बिस्किट और दूध, और ये ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हर जगह मिलेगी आपको। फिर रात के बज रहे हैं 11, तो भाई अब लेटे लेटे थोड़ी वीडियो देखूंगा, जैसे ही नींद आने लगेगी बस सो जाऊंगा। और भाई मैं तो कहूँ इस टाइम पे आप कुछ भी देखो, वीडियो ही देखो, मगर यह है रील मत देखो, वीडियो भी ये नहीं कि ऊटपटांग की चीज़ें कि वो खा रहा है कहाँ जा रहा है ये सब नहीं भाई, स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो इससे अच्छा, कि भाई टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं वो देख लो, घर दिन भर में पढ़ते कैसे हैं वो देख लो, किसी और की लाइफ देख लो भाई, किसी की भाई पढ़ने वाले बच्चे पूरे दिन को कैसे मैनेज करते हैं। भाई तुम्हें घर वालों ने पढ़ने का काम दे रखा है यार, और कुछ थोड़ी दे रखा है। चलो भाई गुड नाइट, बाय।